बैल पोले के बाद दूसरे दिन ताना पोला पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है, जहां लकड़ी के बैल तथा पारंपरिक वेशभूषा में नन्हे बच्चे आकर्षण का केंद्र रहते हैं। वहीं परिजन भी बच्चों के इस उत्साह में पूरी तरह से शरीक होते हुए दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं। जिस प्रकार बैल पोला किसान भाई अपने साथी बैलों की कृतज्ञता के लिए मनाते हैं, वैसे अपने बच्चों को बैल और पारंपरिक संस्कारों का ज्ञान रहे, इसलिए सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। बच्चों के ताना पोले के अवसर पर शहर की सामाजिक संस्थाएं, प्रतिष्ठित नागरिक, समाजसेवी, युवा मंडली आदि भव्यता से इस ताना पोले का आयोजन करते हैं। ऐसे दर्जनों जगह आयोजन कर बड़े ही उत्साह से इस पर्व को मनाया गया। शहर के मड़की चौक जायसवाल मार्केट में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पवन जायसवाल, समाजसेवी किरण जायसवाल आदि के प्रयासों से भव्य आयोजन किया। अब्दुलवाड़ी सिविल लाइन्स में समाजसेवी और नगर पालिका के पूर्व नगर उपाध्यक्ष एडवोकेट अरविंद लोधी द्वारा आयोजित ताना पोले के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सावनेर के थानेदार मारुति मुलोक, एडवोकेट चंद्रशेखर बरेठिया, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भगत, रामराव मोवाड़े आदि की प्रमुख उपस्थिति में उपस्थित सभी बच्चों को भेंट वस्तुएं देकर सम्मानित किया, तो कड़कड़ी महाराज हनुमान मंदिर देवस्थान के प्रांगण में पूर्व नगर सेवक एडवोकेट युवराज बागड़े और दीपक बसवार द्वारा आयोजित इस ताना पोला आयोजन में प्रमुख अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट चंद्रशेखर बरेठिया, व्यापारी संघ के सचिव मनोज बसवार व अन्य मान्यवरों की उपस्थिति में बच्चों को बख्शीश वितरित किए। पहले पाल लुम्बानी बुद्ध विहार परिसर में बाबा साहेब स्पोर्ट एंड एजुकेशन व समर्पण फाउंडेशन की ओर से स्वर्गीय उज्जवल कुमार बागड़े स्मृति प्रत्यर्थ भव्य आयोजन कर उपस्थित बच्चों को शालेय साहित्य व नगद पुरस्कार प्रमुख उपस्थिति नागपुर जिला भाजपा उपाध्यक्ष सोनबा मुसले, पूर्व नगर सेवक तुषार उमाटे, सोनू नवदिंगे, अभिषेक सिंह गहरवार आदि के हाथों प्रदान किए गए। वार्ड क्रमांक 7 पेटपुरा में पूर्व नगर सेवक आशीष मान का युवा कार्यकर्ता सचिन मोहतकर और बाल गणेश उत्सव मंडल पेटपुरा द्वारा आयोजित इस भव्य आयोजन में सैकड़ों बच्चों को बिस्किट, चॉकलेट, गुब्बारे और नगद राशि प्रदान कर ढोल ताशों की ताल पर ताना पोला बड़े उत्साह से मनाया गया। ताना पोले के अवसर पर परिजन अपने नन्हे बच्चों को पारंपरिक वेशभूषाओं में लेकर उपस्थित होकर बच्चों की खुशियों में शामिल होकर अपने बच्चे का अनुभव करते नजर आए। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।